हिलनी बड़ी तपस्विनी, शबरी जाको नाम, मतंग ऋषि कह कर गए, तो ही मिलेंगे राम, तो ही मिलेंगे राम। बोलिए भक्त और भगवान की। भक्त जनों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में प्रभु श्री राम की अनेकानेक लीलाओं का वर्णन है। जैसे जन्म लेकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ताड़का जैसे असुरों का वध, और चाहे धनुष भंग कर सीता जी से विवाह करना हो, और रावण का नाश कर धरती के पापों को मिटाना हो, प्रभु राम ने किस तरह अपने भक्तों के मन में भक्ति की अलख जगाई, आइए ऐसी ही एक भिलनी की भक्ति की गाथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम था शबरी। भक्त और भगवान की ये पावन कथा सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा भक्तों कि भगवान किसी जाति पाति के भेद को नहीं मानते, और उन्हें तो केवल भाव की भूख लगती है। तो आइए सुनते हैं ये पावन कथा। प्रभु राम भक्तों कैसे शबरी की कुटिया आए, प्रभु राम भक्तों कैसे शबरी की कुटिया आए, शबरी के हाथों कैसे झूठे वो बेर खाए, प्रभु राम भक्तों कैसे शबरी की कुटिया आए, प्रभु राम भक्तों कैसे शबरी की कुटिया आए। कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों, शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा था, जो भील समुदाय से संबंध रखती थी। शबर जाति में पैदा होने के कारण कालांतर में उनका नाम शबरी पड़ गया। उनके पिता भीलों के मुखिया थे, और वो अपने गांव का साम्राज्य बड़ी कुशलता से चलाते थे। शबरी का विवाह एक भील कुमार के साथ तय हुआ भक्तों। परंपरा के अनुसार विवाह से पहले अनेक पशु बलि देने हेतु लाए गए। शबरी ने जब उन निरीह प्राणियों को देखा तो उनके मन में दया का भाव जागृत हुआ। पिता के चरणों में पड़कर प्रार्थना की, हे पिताश्री, विवाह में इतने निरीह पशुओं का वध करेंगे, भला ये कैसा न्याय है, इस परंपरा को समाप्त कीजिए पिताश्री, तभी मैं विवाह करूंगी। परंतु पिता तो भील समुदाय के मुखिया थे, परंपरा से कैसे पीछे हटते, वो इस बात को तैयार नहीं हुए। तब इस पर शबरी ने अपने मन में क्या निर्णय लिया, आइए सुनते हैं। पिता जब नहीं थे माने, शबरी ने मन में ठाना, क्या गाथा अपने घर को वन में था डेरा लाया, क्या गाथा अपने घर को वन में था डेरा लाया। भगवान का नाम जपती प्रभु के भजन वो गाए, शबरी वनों में आ गई भक्तों, और दिन रात प्रभु के नाम का सुमिरन करने लगी। उसी वन में ऋषि मतंग का आश्रम था। शबरी चाहती थी कि वो आश्रम में उनके शिष्या बन उनकी और प्रभु की सेवा करे, परंतु अपनी जाति के कारण
उसके मन में संकोच होता था, इसलिए उसने एक निर्णय किया। ऋषि मतंग शिष्यों सहित रोज सुबह स्नान करने हेतु नदी में जाया करते। शबरी उनके मार्ग को सुबह सुबह झाड़ू बुहारी कर साफ करती, एक एक कांटा चुनकर फेंकती तथा पुष्पों से मार्ग सजाती, नरम बालू बिछाकर मार्ग को सुसज्जित कर देती। पहले तो ऋषि मतंग को इस बात का ध्यान नहीं आया, परंतु जब उन्होंने देखा कि नित्यपति उनका मार्ग इस तरह सुसज्जित है, तो एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि वो देखेंगे भला ऐसा कौन सा भक्त है जो उनकी इस तरह सेवा कर रहा है। और एक दिन जब शबरी उनका मार्ग साफ कर रही थी, तो ऋषि मतंग उसके सम्मुख आए और उनसे पूछने लगे। शबरी को सेवा करते मतंग ऋषि ने देखा, शबरी को सेवा करते मतंग ऋषि ने देखा। पूछा था क्यों हो करती तुम ऐसे मेरी सेवा, शिष्य मैं बनना चाहूं शबरी ने दी बताए, प्रभु राम भक्त कैसे शबरी की कुटिया। शबरी की बात सुनकर गुरुवर मुस्काए और बोले, हे शबरी कुछ भी संकोच मत करो, मेरे आश्रम में आओ और आश्रम वासियों की सेवा कर प्रभु का वरदान प्राप्त करो। शबरी सकुचाते हुए बोली, प्रभु मैं तो भील जाति से हूँ, भला मैं आपके आश्रम में कैसे आ सकती हूँ। इस पर ऋषिवर ने बताया, हे शबरी भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, जात पात से उनका कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए निसंकोच मेरे आश्रम में आओ और प्रभु की भक्ति कर इस जन्म को सुधारने का प्रयत्न करो। गुरुवर की आज्ञा पाकर शबरी आश्रम में आई और नित्य प्रति आश्रम की सेवा करने लगी। गुरुवर उसकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि देह त्याग करते समय उसे वरदान दिया कि एक दिन श्री हरि विष्णु प्रभु राम के रूप में जब धरती पर अवतरित होंगे, तब वो तुझे दर्शन देंगे शबरी और तुझे भव से पार लगाएंगे। बस उसी दिन से शबरी रोज अपनी कुटिया सजाती, मार्ग में पुष्प बिछाती, चक चक कर मीठे बेर लाती और प्रभु राम की प्रतीक्षा करती। कब आए मेरे रामा शबरी रही पुकारे, कब आए मेरे रामा शबरी रही पुकारे, नैना तेरा ताके राहों को थी बुहारे, बस रामा रामा शबरी भक्तों रही थी गाए, प्रभु राम भक्तों कैसे शबरी की कुटियाए। भक्तों कहते हैं ना कि भगवान अपने ही सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं। प्रतीक्षा कर करके शबरी वृद्ध हो गई, परंतु प्रभु राम ने उन्हें दर्शन नहीं दी। शबरी रोज रो रो कर प्रभु राम की प्रतीक्षा करती, उनके मार्ग में पुष्प बिछाती, चक चक कर मीठे बेर उनके खाने हेतु रखती, पर प्रभु नहीं आ रहे थे। परंतु भक्त वत्सल प्रभु श्री राम कैसे ना आते भक्तों। एक दिवस की बात है, आश्रम का एक सेवक
एक दिन दौड़कर शबरी के सन्मुख आता है और कहता है, हे शबरी, दो सुकुमार आपके आश्रम की ओर आ रहे हैं, एक श्यामल तो एक गौर वर्ण का है। यह सुनकर शबरी जान गई कि मेरे प्रभु राम आ गए हैं। दौड़कर दोनों के पास पहुंची, प्रभु के चरणों में गिर प्रणाम किया, आंसुओं से चरण धुलवाए और आदर सहित उन्हें अपनी कुटिया में ले आई। रोज की तरह मीठे बेर चक्कर रखे हुए थे, भक्ति भाव में भूल गई कि ये बेर तो झूठे हैं। अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाती, प्रभु भी उसकी भक्ति की रौ में बहकर शबरी के झूठे बेर खाते गए और भक्त और भगवान का रिश्ता निभाते गए। हाथों से भीलनी के झूठे थे बेर खाए, लक्ष्मण ने संशय माना भूमि पे थे गिराए, जात पात को भगतों रघुवर रहे मिटाए, प्रभु राम भक्तों कैसे शबरी की कुटिया आए। थोड़ा विश्राम कर प्रभु भाई सहित आगे की ओर सीता की खोज में चले गए भक्तों, और शबरी उसका तो जीवन कृतार्थ हो गया था। अपने स्वामी प्रभु राम के दर्शन कर उसका जीवन सफल हो गया था। उसके झूठे बेर प्रभु ने उसके हाथों खाए थे, उसे दर्शन दिया था, उनके गुरु के वचन को भी सार्थक किया था। शबरी रामा रामा करती प्रभु के चरणों में विलीन हो गई भक्तों और वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। इस कथा से यह सिद्ध हुआ भक्तों कि भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं, जात पात छप्पन भोग का भेद उन्हें बिल्कुल नहीं भाता। तो आप भी अपनी भक्ति को प्रभु चरणों में समर्पित कर मेरे साथ बोलिए, बोलिए भक्त और भगवान की। शबरी को भव से तारा, जाति का भेद तारा, शबरी को भव से तारा, जाति का भेद तारा, भक्ति अमर बनाई भव का बने किनारा, चरणों में करके वंदन चंदन तिलक लगाए,